Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine. So in this video, क्या देखेंगे हम? Second part देखेंगे of chapter number 3, water or water. ठीक है, last video में हमने क्या किया था, हमने question number 9 तक बहुत अच्छे से सारे questions समझ लिए थे और सबका solution भी निकाल लिया था. ठीक है, आज के video में हम क्या करेंगे, chapter number 3 के question number 10 से देखेंगे. ठीक है, कि क्या questions दिए हैं और उनके क्या answers हैं. तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस. ठीक है, क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनके एक या दो सेंटेंसेस में आपको आंसर देने हैं. सो नंबर 1, व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर. हम कौन सी एक्टिविटीज़ पानी के बिना भी कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन डू लाइक डांसिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, रनिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूज़िक एक्सेट्रा. ये सारी एक्टिविटीज़ में हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, हम पानी के बिना भी ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. देन नंबर टू, व्हाट कैन यू नॉट डू विदाउट वाटर. इसमें से अब हमें क्या करना है, अब हमें वो सारी एक्टिविटीज़ लिखनी है जिसमें, जो हम पानी के बिना नहीं कर सकते. ठीक है, जिसमें हमें पानी चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो देखो, प्रिपेयरिंग टी, टी बनाने के लिए पानी चाहिए, कॉफ़ी बनाने के लिए पानी चाहिए, राइस दाल, ठीक है, राइस बनाने के लिए भी हमें पानी चाहिए, दाल बनाने के लिए भी हमें पानी चाहिए. देन वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए, धोने के लिए हमें पानी चाहिए. देन बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. ठीक है, ये वॉशिंग, ये वॉचिंग क्लोथ नहीं है, ये है वॉशिंग क्लोथ. ठीक है, तो ये स्पेलिंग आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना. ठीक है, बेदिंग यानी आपको नहाने के लिए पानी चाहिए, देन वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए भी आपको पानी चाहिए. ठीक है, तो ये स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना. देन नंबर 3, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर. क्या आपने देखा है कहीं पे कि गर्म पानी निकला है ज़मीन से? ठीक है, तो नो, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा. ठीक है, सो आपको सिंपली लिख देना है नो. देन नंबर 4, डज एनी रिवर क्रॉस योर विलेज और सिटी, इफ़ येस राइट इट्स नेम. क्या ऐसी कोई रिवर है जो आपके विलेज में से, ठीक है, अगर आप विलेज में रहते हैं तो वहाँ से क्या कोई रिवर पास होती है, या फिर आप अगर सिटी में रहते हैं तो क्या वहाँ से कोई रिवर पास होती है, तो आपको उसका नाम लिखना है. ठीक है, अगर कोई रिवर फ्लो हो रही है आपके विलेज या सिटी में, ठीक है, तो उसका नाम लिख देना है. तो मैं सूरत में रहती हूँ और वहाँ से तापी रिवर फ्लो होती है, वहाँ पे तापी रिवर फ्लो होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है येस तापी रिवर फ्लो थ्रू माई सिटी. ठीक है, देन नंबर 5, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स. क्या आप रिवर्स के नेम जानते हैं? तो आप जो रिवर्स के नेम जानते हैं आपको वो सारे रिवर्स के नेम यहाँ पे लिख देने हैं. तो सबसे पहले तो पूछा है डू यू नो द नेम्स ऑफ द रिवर्स, देन येस आई डू नो द नेम्स ऑफ द रिवर, देन राइट देयर नेम्स, तो हम उनके नाम लिख देते हैं. आई नो द नेम्स ऑफ सम रिवर्स, दैट इज़ यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, तापी एंड नर्मदा. ठीक है, अगर इसके अलावा भी आप कोई रिवर्स के नेम जानते हो तो उनके नेम्स आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, तापी और नर्मदा ही लिखें. ठीक है, आप इसके अलावा भी काफ़ी सारी रिवर्स के नेम्स लिख सकते हो जिन जिनके नाम आपको पता है. देन नंबर 6, विच क्रिएचर्स ऑफ अर्थ नीड वाटर. ठीक है, अर्थ पे ऐसे कौन से क्रिएचर्स हैं जिनको पानी चाहिए. देन ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ नीड वाटर. ठीक है, सारे लिविंग क्रिएचर्स को पानी चाहिए ही चाहिए. देन नंबर 7, फॉर विच एक्टिविटीज़ इज़ वाटर नीडेड इन योर हाउस. ठीक है, आपके घर में पानी किस किस एक्टिविटी के लिए चाहिए. ठीक है, यानी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको पानी चाहिए ही चाहिए. सो आंसर इज़ वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए चाहिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए चाहिए, बेदिंग नहाने के लिए चाहिए, वॉशिंग क्लोथ्स यानी कपड़े धोने के लिए चाहिए. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें पानी चाहिए. ETC यानी आपको, मतलब ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें पानी चाहिए. ठीक है, अब हम सब कुछ तो यहाँ नहीं लिख सकते, आपको 4 or 5 एग्जाम्पल्स, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देने हैं. देन नंबर 8, नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर लिखने हैं. ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारे सोर्सेज देखे थे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखा था जिसमें तो ढेर सारे सोर्सेज थे. ठीक है, तो वो 7 के 7 आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सो द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, स्ट्रीम्स, रिवर, वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड, लेक्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे क्या हैं, वाटर के सोर्सेज हैं. देन नंबर 9, इन वॉट
इज वाटर स्टोर इन योर हाउस. ठीक है, आपके घर में आप पानी किस में स्टोर करके रखते हैं. सो इन माई हाउस वाटर इज स्टोर इन टैंक. मेरे घर में पानी किस में स्टोर करके रहते हैं. सबसे पहले तो हमारे टेरेस के ऊपर एक बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ है. ठीक है, तो हम पानी उसमें स्टोर करते हैं. देन पॉट, हम पॉट के अंदर पानी रखते हैं जिसमें से हम लॉन्ग मेटल्ड कप के थ्रू हम लॉन्ग हैंडल मेटल कप के थ्रू हम पानी निकालते हैं देन पीते हैं. ठीक है, तो पॉट में हम पानी रखते हैं. टब, ठीक है, बाथरूम के अंदर टब होता है, हम उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं. देन बकेट, हम बकेट्स में भी पानी स्टोर करके रखते हैं, एक्सेट्रा. तो मेरे घर में ये सारी चीज़ों के अंदर हम पानी स्टोर करके रखते हैं. अगर इसके अलावा भी ऐसी कोई चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके घर के अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं, तो आपको वो भी लिख देना है. देन नंबर टेन, टू विच प्लेसेस डज रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्लो अवे. ठीक है, एज अ रेन वाटर कहाँ पर गिरता है तो जो फ्लो होके कहीं पर भी चला जाता है. ठीक है, ऐसा पूछा है हमें. तो रेन वाटर दैट फ्लोज ऑन ग्राउंड फ्लोज अवे इन टू द अर्थ इन टू गटर्स पॉन्ड्स रिवर्स एक्सेट्रा. ठीक है, रेन वाटर जब बारिश गिरती है तो उसका पानी, ठीक है, कहाँ कहाँ फ्लो होके चला जाता है. ठीक है, वो अर्थ के अंदर समा जाता है, यानी ज़मीन उसको सोख लेती है और इन टू द गटर्स, गटर में फ्लो हो जाता है. पॉन्ड्स रिवर्स, ठीक है, उनमें फ़्लो होके चला जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से बारिश का पानी फ्लो होके इन सारी जगहों पे चला जाता है. देन नंबर 10, व्हाई डू क्रॉप्स ड्राई अप. ठीक है, जो क्रॉप्स होते हैं खेत के अंदर, ठीक है, खेत के अंदर जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, ठीक है, वीट उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं. सो वो क्रॉप्स जो होते हैं वो सूख क्यों जाते हैं. तो इफ़ इट डज नॉट रेन एंड क्रॉप्स डज नॉट रिसीव वाटर दे ड्राई अप. ठीक है, अगर बारिश ना हो, उनको पानी ना मिले और अगर अदर सोर्सेज से भी वहाँ पे पानी ना डालें, ठीक है, तो अगर पानी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्रॉप्स ड्राई हो जाएंगे. देन नंबर 12, व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है, पानी से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर. पानी से हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर. देन नंबर 13, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है, द प्लेस फ्रॉम वेयर वाटर इज ऑब्टेन्ड इज़ नोन एज सोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है, ऐसी प्लेसेज जहाँ से हमें पानी मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर बोलते हैं. जैसे कि रिवर से हमें पानी मिलता है तो क्या है वो, सोर्स ऑफ वाटर. देन रेन से हमें पानी मिलता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर. पॉन्ड से हमें पानी मिलता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर. वेल से हमें पानी मिलता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर. तो जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर. देन नंबर 14, व्हाट इज़ अ स्ट्रीम. स्ट्रीम क्या होती है, तो वाटर ट्रैप्ड ऑन माउंटेन्स स्टार्ट्स फ्लोइंग रैपिडली, दिस फास्ट फ्लोइंग वाटर इज नोन एज स्ट्रीम. ठीक है, माउंटेन के अंदर जो पानी ट्रैप होता है तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना के जब बाहर फ्लो करता है विद अ स्पीड, ठीक है, बहुत ही स्पीड में फ्लो करता है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रीम कहा जाता है. ठीक है, तो दिस फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, दिस फास्ट फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्ट्रीम. देन नंबर 15, विच डिजीज़ आर कॉज्ड बाई ड्रिंकिंग डर्टी वाटर. गंदा पानी पीने से कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, सो टाइफॉइड, कॉलेरा, देन जॉन्डिस आर कॉज्ड बाई ड्रिंकिंग डर्टी वाटर. ठीक है, टाइफॉइड हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो. सो देन नंबर 16, वॉट इज़ एडेड टू विलेज वेल टू मेक इट्स वाटर जम फ्री. ठीक है, अब जो गाँव के अंदर, ठीक है, विलेजेस के अंदर वेल्स होते हैं, ठीक है, कुएँ होते हैं, उसके अंदर कौन सी मेडिसिन डाली जाती है ताकि उसके जो सारे जम्स हैं वो मर जाएँ. ठीक है, तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, क्लोरीन ऐड किया जाता है. सो क्लोरीन इज़ एडेड टू द विलेज टू अ विलेज वेल टू मेक इट्स वाटर जम फ्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. ठीक है, क्या करना है, ब्रीफ में आंसर करना है. सो सबसे पहले हमें एक नोट दिया हुआ है, स्टूडेंट्स नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन देयर विलेज और हाउस. ठीक है, आपके घर के विलेज में और आपके घर के पास जो भी वाटर फैसिलिटी है उसके हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस का
आंसर करना है, ठीक है। तो मैंने किस पर्सपेक्टिव से ये सारे आंसर्स लिखे हैं, मैंने इस पर्सपेक्टिव से ये सारे आंसर लिखे हैं कि मेरे घर के पास एक वेल है, ठीक है, कुआं है जहाँ से हम पानी लेके आते हैं, ठीक है, काफ़ी दूर कुआं है जहाँ से हम पानी लेके आते हैं, ठीक है, और कोई सोर्स हमारे विलेज के पास नहीं है। तो इस नोशन में मैंने ये सारे आंसर लिखे हैं, ठीक है। अगर आपके घर के पास वेल नहीं है, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। सो नंबर वन, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, ठीक है, आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो इन माई विलेज, मेरे गाँव के अंदर, वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वेल, हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता है, वेल से मिलता है, कुएँ से मिलता है। देन नंबर टू, वेयर यू नीड टू गो फेच वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर, ठीक है, आप पानी भरने के लिए कहाँ जाते हैं और कितना टाइम लगता है। वी गो टू द वेल टू फेच वाटर, ठीक है, हम पानी फेच करने के लिए, पानी भरने के लिए कहाँ जाते हैं, वेल पर जाते हैं, कुएं पर जाते हैं। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग वाटर, ठीक है, अगर हम कुएं पर जाते हैं देन पानी भरते हैं, उसको घर पर वापस लेके आते हैं, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग वाटर। देन नंबर थ्री, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी स्टोर करने की क्या ज़रूरत है, हम पानी को क्यों स्टोर करते हैं। वी नीड टू स्टोर वाटर टू डू आवर डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, अगर हमें अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पानी स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, बेदिंग, नहाने के लिए, ड्रिंकिंग, पीने के लिए, ठीक है, अगर ये सारी एक्टिविटीज़ हमें करनी है तो हमें पानी स्टोर करना ही पड़ेगा। अब सोचो अगर आपके घर के ऊपर का जो टैंक है वो हटा दें, ठीक है, तो क्या आप रह पाओगे, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप कैसे नहाओगे, आप कैसे कपड़े धोओगे, ठीक है, आप कैसे मॉपिंग करोगे, ठीक है, आप कैसे अपना घर क्लीन करोगे, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो हमें पानी चाहिए होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ की अगर हमें करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, पानी स्टोर करना पड़ता है। अगर हम पानी स्टोर नहीं करेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सारी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें पानी स्टोर करना पड़ता है। नाउ नंबर 12, एक्सप्लेन गिविंग रीज़न, ठीक है, रीजन्स देना है और हमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एक्सप्लेन करना है। सो नंबर वन, वी शुड टेक वाटर फ्रॉम द पॉट विद अ लॉन्ग हैंडल्ड मेटल कप ओनली बिकॉज, ठीक है, हमें हमने अभी देखा था, ठीक है, पार्ट वन में देखा था कि पॉट में से पानी निकालने के लिए क्या यूज़ करना है, अ लॉन्ग हैंडल्ड मेटल कप, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है हमें कि हमें वही क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ऐसा पूछा है हमें। सो आंसर में लिखेंगे हम, इफ़ वी डिप अ ग्लास इन द पॉट टू टेक वाटर, जम्प्स एंड डर्ट फ्रॉम आर हैंड्स एंड नेल्स विल गो इन टू द वाटर, बट इफ अ लॉन्ग हैंडल्ड मेटल कप इज़ यूज नथिंग सच विल हैपन, ठीक है। देखो अगर हम अपना पानी निकालने के लिए ग्लास डालेंगे पॉट के अंदर, तो हमारे हाथ के जो जम्स हैं, ठीक है, और नेल्स के जो जम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड इट विल मेक द वाटर डर्टी एंड पोल्यूटेड। सो इफ़ यू डोंट वॉन्ट दैट, वी विल वट वी हैव टू डू, वी शुड यूज़ अ लॉन्ग हैंडल मेटल कप, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, करेक्शन देख लेते हैं। देखो बट विथ अ लॉन्ग हैंडल मेटल कप नथिंग सच विल हैपन, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, कोई करेक्शन नहीं है। देन नंबर टू, वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन विलेजेस डज नॉट रिमेन क्लीन बिकॉज, ठीक है, अब जो विलेजेस के अंदर रिवर्स होती है, पॉन्ड्स होती है, वो क्लीन क्यों नहीं होती, ठीक है। तो देखो क्यों नहीं होती, पीपल ऑफ विलेजेस वॉश देयर क्लोथ्स, क्लीन यूटेंसिल्स, बेथ देयर कैटल्स, पास यूरिन एंड स्टूल ऑन द बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स, दिस मेक्स वाटर डर्टी, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं वो अपने कपड़े भी रिवर के अंदर धो देते हैं, अपने बर्तन भी रिवर और पॉन्ड्स के अंदर धो देते हैं, अपने कैटल्स को भी वहाँ पे ही नहला देते हैं, ठीक है। हम गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि गाय भैंस सब पानी के अंदर उतर गई हैं, ठीक है। अब वो ऐसा करेंगे तो पानी गंदा नहीं होगा तो क्या होगा, साफ होगा, नहीं, ठीक है, गंदा ही हो जाएगा, ठीक है। देन दे पास यूरिन एंड स्टूल ऑन द बैंक्स ऑफ द पॉन्ड्स एंड रिवर्स, सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ मेक वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स डर्टी, ठीक है। यहाँ पे आपको विलेज वॉश, यहाँ एच ऐड कर देना है, ठीक है, वॉश स्पेलिंग मिस्टेक है। देन नंबर थ्री,
रिवर्स आर नोन एज लोक माता बिकॉज, ठीक है, रिवर्स को लोक माता क्यों कहा जाता है? सो ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट रिवर्स, ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो पानी के बिना पॉसिबल नहीं है. दे प्रोवाइड वाटर फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है. अब जो रिवर्स होती है वो हमें ढेर सारी एक्टिविटीज़, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रिवर इज़ वर्शिप्ड एज अ मदर इन इंडिया. इसलिए हम रिवर्स को क्या मानते हैं? मदर मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, ठीक है. देन नंबर फोर, वी शुड नॉट मिसयूज़ वाटर बिकॉज, हमें पानी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. क्यों? सो वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल वेल्थ, ठीक है. पानी क्या है? एक प्रीशियस नेचुरल वेल्थ है. ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इरेगुलर रेन एंड इंक्रीज इन इंडस्ट्री, वाटर हैज़ बिकम स्केयर, ठीक है. अब देखो, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि जो लोग हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, फिर इरेगुलर रेन, बारिश नहीं हो रही है, एंड इंक्रीज इन इंडस्ट्री, ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं. इन सब की वजह से क्या हो रहा है? पानी स्केयर्स होता जा रहा है, यानी कि पानी रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है. तो वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, अब हम पानी के बिना तो रह नहीं सकते. सो इफ़ यू वॉन्ट टू सस्टेन आर लाइफ, वी शुड नॉट मिसयूज़ वाटर, तो अगर हमें अपनी लाइफ बचानी है तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है. पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है, ठीक है. जो पीने लायक पानी है वो कम होते जा रहा है. ऐसा वैसे तो हम बोलते हैं कि अर्थ पे 70% वाटर है, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. इट कैनॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फॉर अदर एक्टिविटीज़, ठीक है. तो जो पीने लायक पानी है जो हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम है, ठीक है. इसलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप लोग भी आज से पानी वेस्ट नहीं करेंगे. देन नंबर 13, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉनसून, ठीक है. क्या करना है? मॉनसून के ऊपर एक छोटी सी नोट लिखनी है, और रेनी सीजन के ऊपर. तो चलो देखते हैं. अमंग ऑल द सीज़न आई लाइक रेनी सीज़न द मोस्ट, ठीक है. सारे सीज़न में से मुझे सबसे ज़्यादा सीज़न कौन सा पसंद है? रेनी सीज़न. टुडे इज़ अ रेनी डे, इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल डे लॉन्ग, ठीक है. आज क्या है? बारिश का दिन है, और आज सारा दिन क्या हो रही है? बारिश हो रही है. इन द इवनिंग वी ऑल्सो सॉ अ ह्यूज रेनबो फॉर्म्ड इन द स्काई, ठीक है. तो इवनिंग में हमने क्या देखा कि बारिश के बाद हमने स्काई में देखा कि एक बहुत बड़ा सा रेनबो निकला हुआ है. देन द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ रेन, स्ट्रीट्स जो हैं सारी गलियां पानी से भर गई हैं. ऑन रेनी डे माई फ्रेंड्स एंड आई प्रिपेयर पेपर बोल्स एंड मेक देम फ्लोट इन द वाटर, ठीक है. बारिश के दिन मैं क्या करते हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम पेपर बोट बनाते हैं और पानी के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है. देन आई लव द स्मेल ऑफ अर्थ वैन इट रेन्स आफ्टर अ सनी डे, ठीक है. जब बारिश होती है तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, ठीक है. जब ज़मीन भीग जाती है तो वो मिट्टी की स्मेल आती है, तो मुझे वो स्मेल बहुत पसंद है. रेन मेक्स द वेदर प्लीजेंट, रिफ्रेशिंग एंड कूल, बारिश होने से जो वेदर होता है, ठीक है, कैसा हो जाता है? बहुत ही प्लीजेंट, रिफ्रेशिंग एंड कूल हो जाता है. देन आई enjoy eating hot fries on a rainy day, ठीक है. रेनी सीज़न जब होता है तब चाय के साथ पकौड़े खाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है. सो आई enjoy eating hot fries on a rainy day. Now, next is an activity. So number one, क्या दिया हुआ है? Color the utensils used in your house टू स्टोर वाटर, ठीक है. इसमें से जो जो आप पानी भरने के लिए स्टोर करते हो उस पर आपको क्या करना है? कलर फिल कर देना है, ठीक है. सो मेरे घर में बकेट में हम पानी स्टोर करते हैं, पॉट में स्टोर करते हैं, जग में, ठीक है. देन देयर इज अनदर पॉट, ठीक है. तो इसमें आप कलर फिल कर देना. अगर आपके घर के अंदर गैलन के अंदर पानी भर के रखते हैं तो आप इसमें भी कलर कर सकते हैं, ठीक है. इसके अंदर कोई पानी भर के नहीं रखता, और इसमें भी हम पानी भर के नहीं रखते. इसमें जस्ट हम पानी को अगर पीना है तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है. इसमें भी हम पानी भर के तो नहीं रखते हैं वैसे, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम रूम के अंदर, ठीक है, हम पानी पी सके तो हम कभी कभी जग में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है. तो जो वेसल में आप पानी स्टोर करके रखते हैं उसमें आपको कलर कर देना है, ठीक है. क्या करना है? कलर कर देना है. देन एक्टिविटी नंबर 2 भी दी गई है, उसमें क्या करना है? कलेक्ट पिक्चर ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर, पेस्ट देम इन योर नोटबुक एंड नेम देम. क्या करना है? जो भी सोर्सेज ऑफ वाटर है, जैसे कि रेन हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए, वेल हो गया, इन सब की पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है और अपनी नोटबुक के अंदर स्टिक कर देना है. देन हॉट क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फाइंडिंग द करेक्ट आंसर ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन.
and writing its corresponding letter in the box given in the front of each question. So number one, keeping in mind the need of water, which of the following is different? ठीक है, अब पानी हमें कहाँ का चाहिए होता है, तो फार्मिंग में पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए, कुकिंग में पानी चाहिए, किस में पानी नहीं चाहिए, एजुकेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा है? सो वेल वाटर, रेन वाटर, स्ट्रीम वाटर और टैप वाटर. द करेक्ट आंसर इज बी. रेन वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहा जाता है. सो बी इज द आंसर. देन नंबर थ्री, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, फ्रॉम विच यूटेंसिल्स विल इवेपोरेशन इवेपोरेशन ऑफ वाटर विल बी द फास्टेस्ट. ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस दी गई हैं. ठीक है, बोला है ये सारे में से सबसे पहले पानी किस में से वेपराइज हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले पानी किस में से सूख जाएगा. ठीक है, तो जो सबसे छोटा वेसल है, ठीक है, यहाँ पे इसमें सबसे कम पानी है. ठीक है, तो इसमें से पानी सबसे पहले सूख जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. अब देखो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें भी वैसे ज़्यादा पानी है, और इसका जो हेड है, ठीक है, जो हेड है वो क्या है, छोटा है. ठीक है, तो जितना नैरो हेड होगा उसमें से उतना देर से पानी क्या होगा, वेपराइज होगा. देन इसमें भी बहुत छोटा हेड है तो इसमें भी पानी देर से वेपराइज होगा. ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज ए. देन नंबर फोर, थ्रू विच द वाटर सोर्स गिवन बिलो डज वाटर रीच आर होम. ठीक है, आपके घर में पानी किससे आता है, टैप से आता है. सो द आंसर इज डी. देन नंबर फाइव, फॉर मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ वाटर नॉट नीडेड. कौन सा खाना बनाने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए? फॉर मेकिंग चपातीज, तो उसको बनाने के लिए तो पानी चाहिए ना, डो हम जो रेडी करते हैं उसमें पानी चाहिए. देन फॉर मेकिंग पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए. सो आंसर इज़ बी. देन सी, देखो क्या दिया है, फॉर मेकिंग स्वीट फ्रॉम वीट, वीट में से स्वीट्स बनाने के लिए हमें पानी चाहिए. देन फॉर मुकिंग पुलाव फ्रॉम राइस, राइस से अगर हमें पुलाव बनाना है हमें तब भी पानी चाहिए, लेकिन हमें पॉपकॉर्न बनाने के लिए पानी नहीं चाहिए. ठीक है, सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर थ्री. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.